नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि भरपूर गर्मी में आपको अपने प्लांट्स किस तरह से बिना नेट के बचाने हैं। तो अगर नेट नहीं है आपके पास, लगाने की सुविधा नहीं है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि जैसे घर में बरामदा वगैरह होता है, पोर्च होता है, तो पोर्च के नीचे आप ये देख रहे हैं मेरे प्लांट्स इस तरह से इकट्ठे इकट्ठे रख दीजिए। तो इससे इकट्ठे इकट्ठे रखने से क्या होता है कि ये जो एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हैं, तो इससे मॉइस्चर जो है लंबे टाइम तक बना रहता है। और जब गर्म हवाएं चलती हैं तो गर्म हवाएं जो बाहर की पत्तियां हैं इकट्ठी इकट्ठी होती हैं, तो वो प्लांट्स को जो है ये बचानी है, जलने से बचाती हैं। तो कवर्ड बरामदा हो तो वो बढ़िया रहता है, उससे ये है कि ये प्लांट्स आपके बचे रहते हैं। तो मैं दिखाती हूँ, जैसे जैसे इस तरफ ये मेरा गेट है और ये इस तरफ से हवा वगैरह और धूप वगैरह भी सुबह की आती है, और ये ऐसे ढेर लगा के कोने में एक ये प्लांट्स रख दिए हैं और थोड़ी देर की धूप आती है तो ये देखिए कितने अच्छे से अभी भी इतनी गर्मी में ये चल रहे हैं। ऐसे कर सकते हैं, आप रख सकते हैं इकट्ठे इकट्ठे करके। तो ये जो प्लांट्स रखें ये गेट के सामने हैं, तो हवा वगैरह भी इनको जो जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिलती रहती है और ये अपने ठीक भी रहते हैं। तो ये देखा, कोई भी जला हुआ प्लांट नहीं है। तो ये तो इतने फैल गए थे, आज जब भी मैंने इनको बांधा है, इकट्ठे किया है, खूब ढेर नीचे को फैल गए थे खूब सारे। तो ऐसे इकट्ठे इकट्ठे करके मैंने इसको बांध दिया है इस तरह से। तो बस यही सब करना है आपने, और गर्मियों में आपके प्लांट्स ये बचे रहेंगे। और पानी का शावर कराना है तो वो इन्हें बहुत बढ़िया अच्छा लगता है। और बस सुबह की अगर हल्की धूप आती है तो वो भी ज़रूरी है। अगर धूप नहीं मिलती है इन्हें और खुली हवा जैसे नहीं मिलती है, तो उससे क्या है कि जो कीड़े वगैरह होते हैं, इंसेक्ट वगैरह, उनके लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो ऐसे आपके प्लांट्स ये बढ़िया रहेंगे। ये देख रहे हैं ऐसे इकट्ठे इकट्ठे करके, तो मैं तो ऐसे ही रखती हूँ। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे। और मिट्टी जो इस टाइम इनकी हल्की मॉइस्ट ही रखनी है, बस सूखने ना पाए। और अगर मल्चिंग वगैरह हो आपके पास, छोटी छोटी पत्तियाँ या ये हैं, पानी की ज़्यादा सुविधा नहीं है, तो फिर आप मल्चिंग कर सकते हैं। जैसे ये मैंने अपने प्लांट पे ये की हुई है, ये देखिए पत्तियाँ सूखी वगैरह इसमें ये लगा दी हुई हैं। तो ये जो मैंने ट्रांसप्लांट करना ये सिखाया था, मसाले वाला प्लांट सिखाया था दालचीनी का, ये उसमें मैंने ऐसी मल्चिंग कर दी हुई है। और अगर ये पत्ते वगैरह नहीं है तो छोटे छोटे पत्थर हों तो उनसे भी मल्चिंग कर सकते हैं, उससे यह है कि मॉइस्चर रुका रहता है और पौधे को जो जड़ों को नमी बनी रहती है और वो गर्मी सहन कर लेते हैं। तो बस इसी तरह से है। और वो नारियल का जूट वगैरह जो होता है ना, वो भी हो तो उससे भी बहुत बढ़िया मल्चिंग होती है। तो बस यही सब केयर आपने करनी है। इसी तरह से बरामदा वगैरह है तो बरामदे में खूब ढेर लगा के ऐसे रख लीजिए, 2 महीने की बात है। और फिर आप आराम से अपने टेरेस पे रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।